आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। धारचुली के नालसा में कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन द्वारा बुधवार के दिन नालसा में नवीन पुलिया एवं रोड का निरीक्षण किया। जब मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन द्वारा वहां का निरीक्षण किया गया तो कई प्रकार की समस्या देखने को मिली। नालसा नगर में कई दिनों से नवीन पुलिया की जगह पूरा रास्ता अस्त व्यस्त रहता है। पुलिया एवं रोड का कार्य भी अभी वर्तमान में प्रगति होने के कारण नालियों का पानी रोड पर आने से वहां कीचड़ खूब रहता है। कभी कभी वहां कई घंटों तक जाम लगा रहता है, जिससे नालसा नगरवासियों और मांडू आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने निरीक्षण किया तो वहां के स्थानीय निवासी और जनप्रतिनिधियों ने कई समस्या कलेक्टर को बताई। तत्काल वहां के जिम्मेदारी अधिकारियों और पुलिया ठेकेदार को साफ निर्देश दिए गए, जो भी समस्या है उसका तत्काल निराकरण किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को और मांडू आने जाने वाले यात्रियों को समस्या का सामना न करना पड़े। पीथमपुर से कैलाश मावी की रिपोर्ट। निरीक्षण किया पुलिया और रोड का, इसमें सर आपने क्या? ये रोड का जो निर्माण कार्य बहुत दिनों से चल रहा है, इसको शीघ्र करना है और उसके साथ साथ जो यहाँ मुख्य समस्या है कि लोगों के निस्तार का पानी क्योंकि रोड पे ही आता है, तो भले रोड बनाएं कितनी भी अच्छी रोड बना लेंगे लेकिन अभी लोगों का निस्तार का पानी रोड पे ही आएगा तो उससे प्रदूषण भी फैलेगा और उससे बीमारियों की संभावना भी रहती है, गंदगी फैलती है, तो उस चीज़ को भी साथ में देखना है। तो कुछ लोगों के कब्जे जो बहुत आगे तक हैं, तो नाली के लिए एटलीस्ट